अच्छा, आप जब इतिहास में जाएंगे तो आपके सामने कई नारे आएंगे, जैसे स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। लोकमान्य तिलक जी का ये नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब जो नारे हैं, इनसे इतिहास में हम जब ध्यान आता है तो हमें उनके विषय भी ध्यान आते हैं और उनको देने वाले लोगों का भी स्मरण होता है। तो ऐसे ही जब 84 की बात थी तो राम मंदिर जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा होता है, उस समय नारा दिया जाता है कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद बाबरी की असलियत जब सामने आई, रामलला का मंदिर प्रकट हुआ, उसके बाद नारा आया सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। अयोध्या में हमने देखा भव्य राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने के साथ ही ये जो नारे हैं वो साकार हुए हैं। इस बीच कई बातें आई, कई बार लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि आखिर मंदिर कब बनेगा। तो इसके बाद में उत्तर आया कि 2024 में रामलला अपने सही स्थान पर विराजित हो जाएंगे, यानी कि 2024 तक भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। और अब तारीख तक बता दी गई है कि 22 जनवरी को 2024 में रामलला अपने मंदिर के गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे। जी हाँ, तो जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है उसके गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजित हो जाएंगे। इसके लिए समय भी आ चुका है, 11:30 से लेके 12:30 बजे तक रामलला विराजित होंगे। और जो मुख्य यजमान हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तो राम मंदिर के विषय में ये बड़ा अपडेट सामने आया है और हम सभी को उन हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए जब इस मंदिर का शुभारंभ होगा, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों का लंबा इतिहास रहा है। लंबी यातनाएं हिंदुओं ने झेली हैं और बड़े त्याग व्यक्तियों ने दिए हैं। लोगों ने अपने जीवन को तक इस मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। तो 22 जनवरी 2024 को मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजित हो जाएंगे। ये बड़ा अपडेट है और ये उन नारों की भी सार्थकता और उनकी सही होने की बात की पुष्टि करता है जो बरसों से राम भक्त लेते आए हैं, जो बरसों से सीना ठोक कर राम भक्त कहते आए थे।